नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस बेबी स्वेटर का टोपी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 68 फंदे सिलाई में डाले हैं। 10 नंबर की सिलाई है, उसमें 68 फंदे डाले हैं और 4 लाइन का बॉर्डर बनाया है। उसके बाद तीन तीन डिज़ाइन डाला है। इस डिज़ाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो तीन डिज़ाइन डाला है और उसके बाद प्राइमरी कलर से सभी फंदे सीधे बना के मैं रॉन्ग साइड में आ गई हूँ। अब इस लाइन में सभी फंदे सीधे बनाए जाएंगे। सभी फंदे सीधे बना लेंगे जिससे उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए, जैसा कि इसमें है, उल्टे फंदों की एक धारी आ जाए। प्राइमरी कलर से 2 लाइन सीधा बनाने के बाद अब हम सेकेंडरी कलर से 10 लाइन सीधा बनाएंगे। 10 लाइन प्लेन बनाएंगे, यानी आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो 10 लाइन प्लेन बना के मैं आपको दिखाती हूँ। 10 लाइन सेकेंडरी कलर से बनने के बाद अब हमें 2 लाइन प्राइमरी कलर से बुनना होगा। आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से भी सभी फंदे सीधे, ताकि उल्टे फंदे की एक धारी आ जाए। टोपी बहुत ही आसान और बहुत ही खूबसूरत सी टोपी बन रही है, जो बच्चों के सिर में एकदम फिट आती है। बनाने में भी आसान और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत। सभी फंदे हम प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे सीधे ही बनाए जाएंगे, ताकि उल्टे फंदों की एक धारी जैसे यहाँ आई है वैसे आ जाए। तो बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 2 लाइन ये बन चुका है। अब हम फिर 10 लाइन प्राइमरी कलर से प्लेन बुनेंगे, यानी आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। क्योंकि हम ये टोपी इस स्वेटर का बना रहे हैं, तो हम इसी के सिमिलर डिज़ाइन डालेंगे। तो 10 लाइन हम अब सेकेंडरी कलर से सीधा बनाएंगे, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। तो फिर मैं 10 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये सेकेंडरी कलर से 10 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब इस धागे का हमें कोई काम नहीं है, तो इसे काट लेंगे और गांठ लगा लेंगे। और अब सारे फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बना लेंगे। सारे फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से भी सारे फंदे सीधे ही बनाएंगे, जिससे उल्टे फंदे की एक धारी आ जाए। तो मैं 2 लाइन कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये टोपी लगभग तैयार हो गया है। ये इसके इस समय इसकी लंबाई 5 इंच है और अब हम इसे क्लोज करेंगे। तो इस समय आप ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले हम सात फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। सात फंदा सीधा बनाने के बाद हम तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर देंगे। यहाँ पे हमने दो फंदा घटा दिया। अब चौदह फंदा सीधा बनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और चौदह। अब फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे, थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे। फिर चौदह फंदा हम बुनेंगे, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे। फिर चौदह फंदों को बुनेंगे, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे। और फिर लास्ट में सात फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टा बना लेंगे। अब हम फिर फ्रंट साइड में हैं तो अब छः फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे। तो अब पिछली बार हमने चौदह फंदा बुना था, अब हम बारह फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, और फिर तीन फंदे को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे। फिर बारह फंदे सीधा बुनेंगे, फिर तीन का एक करेंगे, फिर बारह फंदे सीधा बुनेंगे और तीन का एक करेंगे। लास्ट में छः फंदा बचेगा और रॉन्ग साइड से सभी फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो मैं इतना करके आपको दिखाती हूँ। अब हम फिर राइट साइड में हैं तो अब पांच फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच, फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर लेंगे। फिर दस फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, और फिर तीन फंदों को एक साथ लेंगे और तीन का एक करेंगे। तो फिर हम दस फंदा लेंगे, दस फंदा सीधा बुनेंगे, फिर तीन का एक करेंगे, और लास्ट में यहाँ पे पांच फंदे बचेंगे। तीन का एक करने के बाद पांच फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो हर लाइन में यहाँ तीन का एक करने की वजह से हर लाइन में फंदे कम होते चले जाएंगे। ये अगली लाइन में चार फंदे रहेंगे, फिर तीन फंदे बचेंगे, फिर दो फंदे, फिर लास्ट में। तब तक मैं आपको बुन के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब साइड में एक ही फंदा है तो अब तीन तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे और तीन का एक करेंगे। तीन फंदे लिया, तीन का एक किया, फिर तीन फंदे लेंगे और तीन का एक करेंगे, फिर नेक्स्ट तीन फंदे लेंगे और तीन का एक करेंगे, फिर नेक्स्ट तीन फंदे लेंगे और तीन का एक करेंगे रॉन्ग साइड से, और फिर रॉन्ग साइड से ही चारों फंदों को एक साथ लेंगे और चार का एक कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और इसको और अब हम इसकी सिलाई कर देंगे, इसे उल्टा करेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे।
एक एक एज में ऐसे सुई डालेंगे, एक एक एज में ऐसे सुई डालेंगे और सिलते चले जाएंगे। जो हमें सीधे फंदे ये दिखाई दे रहे हैं उसमें ऐसे सुई डालेंगे और सिलते चले जाएंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे सिल लेंगे। तो मैं सिल के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर सी टोपी तैयार हो गई है। यदि आपको ज़रूरत हो, ये टोपी तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन यदि आपको ज़रूरत हो तो आप ऐसे इस सिलाई को बैक साइड में ऐसे कर दीजिए और दोनों साइड से, इस दोनों साइड से 10-10 फंदे उठाइए और डोरी बना लें। 10-10 फंदे उठाएंगे और सीधा सीधा या फिर दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए आप बुनाई करेंगे। 10 फंदे में से कुछ कुछ दूरी पर घटाते हुए लास्ट में 4 फंदे करेंगे और कम से कम 5.5 इंच या 6.5 इंच तैयार करने के बाद आप उसे क्लोज कर लें। तो दोनों साइड में डोरी बना दें, और नहीं तो ये अपने आप में कंप्लीट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये टोपी अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बीबी के लिए बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।